दोस्तों आज हम कद्दू का हलवा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है। मैं यहाँ पे पूरा कद्दू इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप पहचान सकें। कुछ लोग लौकी को भी कद्दू बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ इसको बोल रही हूँ कद्दू। और इसको कोहड़ा भी बोला जाता है, भोपला भी बोला जाता है, सीताफल भी बोला जाता है, तो आप जिस नाम से भी जानते हो। तो इसका हम हलवा बनाएंगे। आप इसके लिए पका कद्दू भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कच्चा भी ले सकते हैं। मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब हम एक कढ़ाही लेंगे, कढ़ाही में इसको हम डाल देंगे और इसमें आधा कप के लगभग पानी डाल देंगे और इसका लिड लगा के हम गैस फ्लेम पे इसको रख देंगे। गैस फ्लेम को मीडियम करके इसको गैस पे मैंने चढ़ा दिया है, तो इसका लिड लगा देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक हम ऐसे ही रहने देंगे। गैस फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसको गलने देंगे मीडियम गैस फ्लेम पे। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही अच्छी तरीके से ये गल गया है और ये देखिए ऐसे ये मैश हो जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से कर देंगे और गैस फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से मैश हो गया है। ये पका हुआ कद्दू था इसलिए टाइम नहीं लगा है इसको गलने में। अगर आप कच्चा कद्दू लेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है गलने में। ये देखिए इसका पानी सूख गया है, हल्का हल्का है, इससे कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम 1 बाउल भर के दूध की मलाई डालेंगे और आप चाहें तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं और या तो आप मावा भी डाल सकते हैं या कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो अगर आप कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो चीनी ऊपर से मत डालिए, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे इसमें। वैसे दूध की मलाई से भी बहुत अच्छा हलवा बनता है, बिल्कुल मावा ही लगता है दूध की मलाई भी। और इसकी मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें हम चीनी डाल देंगे, चीनी आप अपने पसंद अनुसार डालिए, मीठा जैसा खाते हैं। अगर आपका पका कद्दू है तो चीनी थोड़ा सा कम ही डालिए और अगर थोड़ा कच्चा कद्दू ले रहे हैं तो चीनी ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। और हम गैस फ्लेम को हाई ही रखेंगे और इसको चलाते भी रहेंगे। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। तो हम इस तरह से कटते हुए सूखा कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा बादाम डाल देंगे बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और चाहे तो मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा ये हलवा। ये देखिए अच्छी तरीके से सूख गया है। तो एकदम लास्ट में हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इलायची पाउडर लिया है, 1 चम्मच के लगभग, छोटा चम्मच। और इसको मिला देंगे पूरे हलवा में अच्छी तरीके से। इसमें आप ये देखिए कि साइड में दूध या पानी कुछ ऐसे करने पे ना दिखे, तो इसका मतलब ये अच्छी तरीके से भून चुका है और पक भी चुका है। तो अब हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हलवा बनके तैयार हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम बादाम और डाल देंगे। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये। इस तरह से नवरात्र के व्रत में आप कद्दू का हलवा बना के खुद भी खा सकते हैं और सबको भी खिला सकते हैं। अगर आपको मेरा ये कद्दू का हलवा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल।